बर्थडे स्पेशल लोकेशन सडनली वी गॉट रिच साला बर्थडे मेरा है या इनका है यार वेयर आर वी हेडिंग आई डोंट नो वेयर हेडिंग सरप्राइज 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 आई डोंट नो दोस्तों सुनो ना रोना क्या है इसमें हेलो हेलो थैंक यू ओ मेरा बर्थडे आज सॉरी भूल गया मैं आज बर्थडे सो अभी हम निकले हैं इस्तानबुल के प्रीवियस होटल से अभी निकल रहे हैं अच्छे वाले होटल में जरा फैंसी होटल थोड़ा सा नियर गलाटा टावर जो आपने कल देखा था अभी हम उसके थोड़ा सा नज़दीक पहुंचेंगे और आज का प्लान ऑफ एक्शन ये ज़्यादा कुछ नहीं है घर पे बैठ के चिल करो लेकिन शाम को आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जैसे मेरे लिए सरप्राइज़ था अभी मैं सरप्राइज़ मुझे मिल गया है तो लेकिन आपके लिए सरप्राइज़ रखते हैं आप भी हिस्सा हो इस पार्ट इस पूरे बर्थडे प्लान के रास्ते में पहुँच गए हैं दूसरे होटल में क्या बात है बर्थडे स्पेशल लोकेशन और ये है होटल का नाम पता नहीं कैसे लिटिल बिग सॉस आई डोंट नो ब्यूटीफुल क्या होटल है वाओ इट्स 2101 Okay. अच्छा सडनली श्रीमंत हो गए हम सडनली वी गॉट रिच ये देख पहले डेजर्ट पे ध्यान रखे पहले डेजर्ट खाना है केक जैसे आइसक्रीम दिख रहे वो केक जैसे जन्नत बर्थडे किसका अच्छी बर्थडे दिन पहला मील स्टार्ची स्टार्ट हो गया है शुगर का किक बैठ गया है मुझे अच्छे से अभी मैं ऐसा हो जाऊंगा ये देखो कमी नहीं हो रही इनकी शुगर की क्रेविंग पुलाव अभी हम पुलाव खाने वाले हैं चिकन पुलाव साला बर्थडे मेरा है या इनका है यार सबका बर्थडे प्रेडू का बर्थडे सबका बर्थडे कोई सेंसेस बात भाई छास जो मिल गया है ना मुझे यहाँ पे सेवियर है आयरन प्लीज हैव इट गाइस प्लीज Nice. ये थोड़ा सा फेमस कैफे है इसका नाम है बलांटिक कैफे वेरी ब्यूटीफुल वेर आर वी हेडिंग बोलो जुबा कैसी Not sure. That's like too big for four. This is like too big. That's what she said. No, come on. Just for four of us. Yes. This can't be real. This is crazy. This can't be real. Next can't be real. What the f*** is this? Okay,
अगर ये हार्ड वर्क करने के बाद मिलता है तो बिलीव मी गाइस आई एम गोइंग टू डाई वर्किंग हार्ड। मतलब हमने बोला था कि हमें को प्राइवेसी चाहिए, इतना ये इंडिया में नहीं होता है बाबा। तुम अलग ही इकोनॉमी पे चल रहे हो टर्की वालों, इतना बड़ा कौन देता है चार लोगों के लिए। कर सकता हूँ मैं घूम सकता हूँ। चलो रे पकड़ा पकड़ी चलो रे सेक्सी लेडीज कम हियर, वी आर गोइंग टू प्ले कबड्डी। ओके कबड्डी खेलते हैं ना भाई, इतना बड़ा ग्राउंड कभी देखा है पूरे? हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। दीज आर ऑल फ्रूट्स जो अक्षय खाएगा, मेरे लिए भी तो कुछ हो। मुझे पता था तूने पहले ही फोन करके बता दिया है कि एक वेजिटेरियन आएगा। आएगा ना, डरेगा तो नहीं। ओके सो आपने अभी तक जो कुछ भी व्लॉग में देखा है, द लग्जरियस लाइफस्टाइल, द ट्रैवलिंग एंड देन चेंजिंग बैक टू बैक बेस्ट प्लेसेस, बेस्ट होटल्स, बेस्ट कार्स, बेस्ट वॉट एवर इट इज़, जो कोई भी ये ब्लॉग देख रहा है, मुझे सिर्फ एक ही बताना है कि दिस इज़ द आउटकम ऑफ अ शियर हार्डवर्क। आई रियली रिमेंबर दिस गाय वॉज इन टेंशन जब ही आई थिंक 12 साल पहले उसको एजुकेशन लोन लेना था और दिवाली का टाइम था और ये डॉक्यूमेंट्स लेते हुए घूम रहा था बैंक टू बैंक कि उसको कुछ भी करके एक एजुकेशन लोन मिल जाए। और फिर साहब वहाँ से लेके आज यहाँ पे सबसे यंगेस्ट मैनेजर ऑफ EY, द मोस्ट फेमस ऑडिटिंग फर्म, ही इज देयर सिटिंग लाइक सीना चौड़ा करके बैठा है मेरा यार। सो दिस इज द हार्डवर्क स्टोरी ऑफ अक्षय। आपने सबने बहुत सारे वीडियोस देखे लेकिन दिस इज हिज लवली वाइफ एंड ऑल्सो यू ऑल नो फैशन डोज बाय पूर्वा। ओके सो पूर्वा जी भी बहुत बड़े कंपनी में काम करते हैं। पूर्वा जी आप बताएंगे कहाँ काम करते हैं? एक्सेंचर। क्या काम करते हो आप? ऑडिटर। सेम लाइक अक्षय। यस सो दिस इज द लवली एंड रिचेस्ट कपल ओवर हियर, केम आउट ऑफ द सेम ग्राउंड। और यहाँ पे है मेरी लवली वाइफ जो आपको सबको ही पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मैडम जी हमारे मेरा जब जिम था तब मेरे जिम के लिए सेल नहीं हो रहा था और इन्वेस्टर्स ने ना बोल दिया था, तब मैडम जी मेरे लिए डब्बे बना के लाती थी, उसके बाद सपोर्ट करना मुझे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सपोर्ट सिर्फ वर्ड से नहीं हो पाता, अगर कोई एक्शन से दिखाता है सपोर्ट तो वो ज़्यादा मायने रखता है। उसके साथ साथ रास्तों पे मेरे लिए शी वॉज डूइंग आर्किटेक्चर, हर फैमिली बैकग्राउंड वॉज कम्प्लीटली सेटल्ड, बट स्टिल 5 बजे या 6 बजे मैं जब रास्तों पे खड़ा रहता था पैम्पलेट लेके मेरे ही खुद के जिम का कि प्लीज़ हमारे जिम में आ जाओ, हमने ये जिम खोला है और प्लीज़ हमारे जिम में आके हमसे ट्रेनिंग लो, तब मैडम ने बहुत ज़्यादा कष्ट किए थे मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मैम, थैंक यू सो मच फॉर द लव, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू। सो ऐसे पैम्पलेट बेचे मेरे लिए, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं थी यार, मतलब मैं हमेशा बोलता था कि यार मेरे घर की लड़की है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे लिए रास्तों पे अनजान लोगों से बात करना, उनको रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ हमारे जिम में आओ, ये पैम्पलेट है, बहुत कुछ चीज़ें की हैं। सो जब भी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे अभी हम प्राइवेट यॉट पे हैं ऑलमोस्ट, और बहुत बड़ी यॉट है, लेकिन ये हार्डवर्क से हम गुजरे हैं। सो जस्ट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटकम, समटाइम्स इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली रिमेंबर द कम्प्लीट स्टोरी, जस्ट टू रिमाइंड यू हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ, इट माइट टेक टाइम बट इफ इट इज टेकिंग टाइम इट इज़ गोना बी द मोस्ट ऑसम थिंग। थैंक यू सो मच गाइज, आई एम साइनिंग ऑफ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रोना क्या है इसमें? माला ही रडायला येते ही करते।
contagious in lovely nature.